लोग सोच सकते हैं कि जिस आदमी का ब्रेन खुलवाना है तो कितना खर्चा लग सकता है। और 2 बरस के वो बाबू है, 3 बरस के वो लड़का है, लड़की है, दूसरा कोई नहीं है, खेत बाड़ी नहीं है, पंथन गांव है, वो भी बेच दिए है, और कुछ नहीं है। हमरे लोग पैसा नहीं के गाना उना रोलतन, पैसा वैसा रोलतन, सब धो के बेच उच के लगा देने। इसका भाई है तो वो भी मदद नहीं करते है, भाई भी मदद नहीं, नहीं, नहीं जी 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 भाग गया है, भाग गया है। अभी आप लोग स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे होंगे, जो बेड पर एक आदमी सोया हुआ है और वो जो है हॉस्पिटल में भर्ती है और उनके इलाज कराने के लिए ये लोग आप लोगों को दिख रहे हैं। ये जो है उनकी पत्नी है और इनकी बहन ये है और ये जो है उनके साली का लड़का है। विशेष बात हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, मगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उनका जो है ब्रेन में सर्जरी कराना है और उनका जो है इलाज कराना है और ये लगभग 5-6 दिनों से ये लोग जो है इलाज करा रहा है, मगर ये लोग जो है गरीब हैं और इन लोगों के पास पैसा उतना नहीं है जो ये लोग जो है उनको अच्छी तरह से इलाज करा पाए। और वो जो है आदमी अब मरने के कगार पर है, उसी में जो है गांव के लोगों ने कुछ चंदा इकट्ठा करके जो है उनका इलाज करा रहा है। और अभी जो है ये लोग हैं, इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सरस्वती देवी जी, ये बताइए आपके पति का कितना दिन से तबीयत खराब है? आज 5 दिन हो गए। 5 दिन से हो गया, क्या हुआ है उनको? ब्रेन में दिक्कत है। अच्छा, क्या डॉक्टर क्या बोले हैं? ब्रेन खुलवाने के लिए। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जिस आदमी का ब्रेन खुलवाना है तो कितना खर्चा लग सकता है और कितना दवा बीरो का पैसा और क्या क्या हो सकता है, ये लोग आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रुपया लग सकता है, मगर ये लोग जो है गरीब है, पैसा अब तक खर्च कर चुकी है। हमारे लोग पैसा नहीं के गाना उना रोलतन, पैसा वैसा रोलतन, सब धो के बेच उच के लगा देने। हाँ। और पैसा नहीं के हमारे लोग खेत बाड़ी नहीं के, 2 गो लड़का। अच्छा, इनको इस तरह से हो कैसे गया? आवत रही हमारा बहन के घर से तो ठोकर लग गई। ठोकर लगा है, एक्सीडेंट हुआ है। देखिए इस आदमी को जो है एक्सीडेंट और जो है पीछे सर पे भी चोट लगा है, आगे भी लगा हुआ है और साइड से भी, यानी चारों तरफ से लगा हुआ है। और एक जो है इनका ये काला जो है ये भी डैमेज हो गया है, नाक से भी ब्लडिंग काफी ज्यादा हुआ है और ये आदमी जो है एकदम इस तरह से हो गया है, बचना मुश्किल हो गया। फिर भी ये जो है ये अपने गहना, ये अपना खेत बेच कर ये जो है इलाज करा रही है। अच्छा, ये आप लोग को कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब चंदा आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं? हाँ, कहाँ कहाँ से चंदा ले रहे हैं? गांव में से, चारों ओर से चंदा तहसील के लगा लेने, चारों ओर से। और कुछ लोग जो है गांव के लोग जो है जिम्मेदार लोग जो है वो लोग जो है सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चला रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, डोनेशन मांग रहे हैं। जो आप लोगों को स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा होगा और फोन पे नंबर दिख रहा है और आप लोग भी उस पर डोनेट कर सकते हैं, जो भी चंदा देना होगा, जो भी सहयोग करना होगा वो आप लोग कर सकते हैं, इनका मदद कर सकते हैं, उस आदमी का जीवन बचा सकते हैं। हालांकि आप लोग बहुत जगह पे ऐसे पैसा फुटानी में उड़ाते होंगे। क्या नाम है? कृष्णा कुमार जो यही जो है इस आदमी का इलाज करा रहे हैं और ये काफी ज्यादा परेशान है, अकेले हैं और उनका देखभाल करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए कोई नहीं आ रहा। ये लड़का जो है उनके साली का लड़का है कि ना, आपके मौसा जी है और यही इलाज करा रहे हैं। कितना दिन से इलाज करा रहे? सर कम से कम हम 5 दिन से इलाज करा रहे हैं और ये बैरिया प्रखंड के एक लखनी चौक पर इनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनका मतलब ब्रेन ये टूट चुका है और ना ये जो आंख का नस है वो भी टूट चुका है और इसमें काफी ज्यादा खर्च आ रहा है। तो हम लोग मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब पर जैसे हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम में जो भी चाहे यथाशक्ति योगदान करके और हमारे मौसा जी का मतलब एक नया जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए, ये आप लोग कितना दिन से चला रहे हैं? ये मुहिम हम लोग कल से शुरू किए हैं। कल से चला रहे हैं। अच्छा, अभी तक कितना आप लोगों का पैसा इकट्ठा हो गया? अभी तक मतलब 5,000 रुपया इकट्ठा हो गया। 5,000 रुपया इकट्ठा हो गया। देखिए और ज्यादा आप लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है क्योंकि 5,000 से होगा नहीं। कितना खर्चा आने वाला है? लमसम इसमें 15-20 लाख रुपया खर्चा है। 15-20 लाख खर्चा, 15-20 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मगर ये 5-6 हजार रुपया अभी तक ये लोग शुरू किया है, लोग फेसबुक के स्टोरी पर डालकर, फेसबुक पर पोस्ट करके ये लोग किया है, तो 5,000 रुपया ही इकट्ठा हुआ है। और भी आप लोग सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करते हैं, तो जितना भी लोग हैं यदि सपोर्ट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों का फोनपे नंबर दिख रहा होगा, QR कोड दिख रहा होगा, अकाउंट नंबर भी दिख रहा होगा, आप लोग कर सकते हैं। आप कौन है उनके? हम जट सर हैं। आप उनके जेट सर हैं। अच्छा एक बात भाई, आप किस तरह से मदद कर रहे हैं? जी सर, हम लोग तो भीखे मांग कर मदद करते हैं। अच्छा। हम लोग तो कुछ नहीं है। अच्छा, देख रहे हैं कि आप ही 3 लोग हैं उनके इलाज कराने के लिए, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? जी
कोई नहीं है हम लोग के, कोई नहीं है, हम भी लोग है। अच्छा। और कोई नहीं, कोई है ना, ये बहन है अकेले, इसको छोट छोट बच्चा है, छोट छोट बच्चा जी, 2 बरस के वो बाबू है, 3 बरस के वो लड़का लड़की है, दूसर कोई नहीं है। इसको इलाज कराने 20 दिन मांग के इलाज कराते हैं नगर दिवर से, इतना पहुँचाए अब लेके जाते हैं गोरखपुर, अब गोरखपुर कितना पैसा लगते हैं कोई नहीं के बता, खेत बाड़ी नहीं है, पंथन गांव है वो भी बेच दिए हैं, अरे कुछ नहीं है अभी। अब ये सोच देख सकते हैं कि ये जो है रोने लगी है, बिग मांग के यानी चांदा आप लेके करके। अच्छा, उनके कई गो बच्चा है? 2 गो बच्चा है, बेटा बेटी जी? एक 2 बरस का लड़का है, 3 बरस का लड़की है। अगर वो आदमी बच सकता है तो वो अपने बाल बच्चों को भी बचा सकता है, मगर आप लोगों को उनका बचाने की पहले जरूरत है। यदि आप लोग उनको पहले बचा देते हैं तो वो भी आदमी बचा लेगा वो अपने बच्चों को, ना? इसका भाई है तो वो भी मदद नहीं करते हैं, भाई भी मदद नहीं, नहीं, नहीं जी जी, जी भाग गया है, भाग गया है। चलिए आप लोग मदद कर रहे हैं, आप लोग खड़ा है नो, आप लोगों के साथ देने के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं जो साथ देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत सारे लोग हैं पैसा डोनेट करेंगे, आप लोगों को मदद करेंगे। नाम क्या है उनका, नाम क्या? उनका नाम संदीप कुमार यादव है, वो मझौलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनका घर चैलाभार है और उनका पिता और उनका भाई का नाम मदन यादव है और एक छोटा भाई है जिनका नाम प्रदीप यादव है। अच्छा, आप अपना फोन पे नंबर बता दीजिए। मेरा फोन पे नंबर है 7370072141। चलिए इसी नंबर पे आप लोग फोन पे कर सकते हैं, QR कोड स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, उस पर भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब अब आप लोग कहाँ ले जाने वाले हैं उनको? हम अभी यहाँ से बेतिया से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है, तो मैं अभी गोरखपुर एम्स में एडमिट कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। चलिए गोरखपुर एम्स में इलाज कराने के लिए ले जा रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिए इन लोगों को, क्योंकि अब जो है ये बेतिया से इलाज करा के थक चुके हैं, मगर उनका जो है स्थिति अभी सही नहीं हो रहा, तो ये लोग जो है अब बड़े अस्पताल में ले जा रहे हैं, गोरखपुर ले जा रहे हैं लोग इलाज कराने के लिए, पैसा की जरूरत है, तो आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।